हेलो गाइज, वेलकम टू टेक्नोलॉजी विद शेखर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप कैसे व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है वो सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी ऐप। अगर आप GB व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो स्टेटस का डाउनलोड ऑप्शन होता है, बट गाइज जो लोग ऑफिशियल ओरिजिनल व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो उधर पे कोई ऑप्शन नहीं होता है स्टेटस डाउनलोड करने के लिए। तो मैं सबसे पहले प्ले स्टोर में जाता हूँ, दिखाता हूँ, ये है हमारा ओरिजिनल व्हाट्सएप। इधर से मैं ओपन करता हूँ, तो मेरे पास दो है, सो मैं पहला वाला ही ओपन करता हूँ। तो देख सकते हैं ये व्हाट्सएप दिखा रहा है, मैं कॉर्नर का 3 डॉट आइकॉन में क्लिक करके दिखाता हूँ। इधर पे कोई GB सेटिंग्स या फिर कुछ नहीं दिखा रहा, मतलब ये ऑफिशियल व्हाट्सएप है। तो गाइस जनरली क्या होता है, स्टेटस सेक्शन में आप आपका दोस्त का स्टेटस देख सकते हैं। तो मैं एक रैंडम सा स्टेटस ओपन कर लेता हूँ, तो गाइस देख सकते हैं एक स्टेटस। तो ये अगर आपको पसंद आता है, आपको क्या करना पड़ता है उसको सेव करने के लिए या फिर बाद में देखने के लिए रखने के लिए, तो आपको स्क्रीनशॉट उठाना पड़ता है। बट गाइस जो वीडियो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और गाइस कॉर्नर में भी अगर हम क्लिक करते हैं तो इधर पे कोई डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप क्या करें, कैसे इसको फ्यूचर के लिए सेव करके रखें, बिकॉज़ ये स्टेटस तो 24 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाता है। तो इसको करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जाना पड़ेगा आपका जो फ़ोन का फाइल मैनेजर होता है उधर पे। उसके बाद गाइस देख सकते हैं ये है इंटरनल स्टोरेज, आपको कोई फाइल मैनेजर का सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। ये मैं MI का फ़ोन है, सो कॉर्नर में जो 3 डैश वाला आइकॉन है इधर पे क्लिक करता हूँ। अभी ये सेटिंग्स में जाता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो शो हिडन फाइल्स होता है इसको एनेबल करके रखना पड़ेगा। तो मेरा पहले से ही एनेबल है, अभी हम बैक करेंगे। उसके बाद गाइज आपको ढूंढना पड़ेगा व्हाट्सएप नाम का फोल्डर, इधर पे देख सकते हैं व्हाट्सएप नाम का फोल्डर है, इधर पे हम क्लिक करेंगे। अभी जाना पड़ेगा मीडिया नाम का फोल्डर में, अभी गाइज देख सकते हैं डॉट स्टेटसेस नाम का एक फोल्डर आ रहा है। गाइज ये डॉट है इसका नाम से पहले, मतलब ये हिडन फोल्डर है, अगर आप शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स एनेबल नहीं करते तो ये आप देख नहीं सकते। अभी गाइज अगर इसको हम ओपन करेंगे तो आपको सारा जितना भी दोस्त का स्टेटस है, वीडियो है, फोटो है, सब कुछ इधर पे मिल जाएगा। तो गाइज मैंने पहले जो स्टेटस ओपन किया था देख सकते हैं व्हाट्सएप में, ये वाला है वो वाला। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको प्रेस करके कॉपी या फिर कट करके कोई भी और जो फोल्डर है उधर पे रख देना है। नहीं तो गाइस क्या होगा, जब व्हाट्सएप में 24 आवर्स हो जाता है स्टेटस का तो वो व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली उस स्टेटस को डिलीट कर देता है, तब आपका जो मोबाइल में सेव स्टेटस है इधर से भी वो फाइल डिलीट हो जाएगा। सो अगर आप कोई और लोकेशन में स्टोर कर देते हैं तो वो आपका मोबाइल से डिलीट नहीं होगा उसका स्टेटस जाने के बाद भी। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और गाइस ऐसे ही ट्रिक्स और नया नया चीज़ जानने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल को, और गाइस पास में जो घंटा बटन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।